हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो का, सॉल्वेंसी रेशियो का। अभी तक आप लोगों ने व्यवसाय की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में जाना, अर्थात व्यवसाय की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जाना। ईच एंड एवरीबॉडी नो, आप सभी जानते कि व्यवसाय की अगर आपने वित्तीय स्थिति को जानना है तो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के लिए अकाउंटिंग रेशियो का किस प्रकार से यूज किया जाता है। अकाउंटिंग रेशियो के अंदर जब हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं, जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, तो हम अकाउंटिंग रेशियो के द्वारा अर्थात लिक्विडिटी रेशियो के बाद आज हम सोलवेंसी रेशियो के द्वारा किस प्रकार से व्यवसाय की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में जानेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि व्यवसाय की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति क्या है, व्यवसाय की कि लंबे समय तक व्यवसाय जो है उसकी असेट लाइबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन क्या है। क्या इज देयर फर्म इज एबल टू पे, दैट मींस द बिजनेस इज एबल टू पे रीपे देयर लाइबिलिटी, कि क्या फर्म जो है अपनी जो लाइबिलिटी है उनका रीपेमेंट करने में समर्थ है, इसी को आप सोलवेंसी की संज्ञा देते हैं। सोलवेंसी मीन्स एबिलिटी टू रीपे द आउटसाइडर लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। तो आप सभी जानते हैं कि सोलवेंसी से हमारा अभिप्राय है कि एक ऐसी राशि से है कि जो अपने आप क्या फर्म के पास इतनी राशि है कि फर्म जो अपने दीर्घकालीन दायित्वों का भुगतान आसानी से कर सकती है। इसमें आप चाहे वो इंटरेस्ट की बात करें या रीपेमेंट ऑफ लोन की बात करें, तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर देखी जाती है। तो सोलवेंसी रेशियो को जनरली तीन भागों में बांटा जाता है, अगर आप व्यवसाय की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि व्यवसाय की दीर्घकालीन स्थिति व्यवसाय के लाइफ पर डिपेंड करती है और बिजनेस कभी भी डेंजर जोन में जा सकता है यदि व्यवसाय की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है, रीजन बीइंग क्योंकि बिजनेस का सर्वाइव करना जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो सोलवेंसी रेशियो है इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें सोलवेंसी रेशियो में नंबर एक डेब्ट इक्विटी रेशियो, द टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो एंड प्रोपर्टी रेशियो। तो इन सभी रेशियो के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डेब्ट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, दैट मींस की डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी इज कॉल्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो, द रेशियो विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे आप लोगों को बताया लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आर दो डेब्ट्स विच आर पेड आफ्टर वन ईयर, दैट मीन्स की ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक वर्ष की अवधि के बाद किया जाता है उन्हें आप लॉन्ग टर्म डेब्ट की संख्या देते हैं। एंड देर आर सम आइटम्स विच आर इंक्लूड इन द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, दैट इज एनी टाइप ऑफ लोन, दैट इज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन, दैट इट इज वेरी मच क्लियर हेयर की इट इज लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन मीन्स की वेन देर इज नो इन्फॉर्मेशन आर गिवन, इट इज इंडिकेट दैट द लोन इज लॉन्ग टर्म। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि लोन जो है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो लोन इज लॉन्ग टर्म। इस बात का ध्यान रखें कि लोन जो है वो लंबे समय के लिए ले आता है और लोन जो है लॉन्ग टर्म ही माना जाता है। तो लॉन्ग टर्म लोन से हमारा अभिप्राय कि ऐसे लोन जिसका भुगतान आपको एक लंबी अवधि के बाद करना है। तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर जो है वो कौन कौन सी आइटमों को शामिल किया जाता है, तो एनी टाइप ऑफ लोन, दैट इज सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन या अदर लोन फ्रॉम बैंक या एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो सारा लोन इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसके साथ पब्लिक डिपॉजिट और डिवेंचर, ये तीन चीजें आप लोगों ने बड़े विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि लोन लॉन्ग टर्म लोन के अंदर कौन कौन सी आइटमें शामिल की जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया लोन चाहे वो किसी प्रकार का लोन हो, नंबर दो डिवेंचर और नंबर तीन पब्लिक डिपॉजिट। अगर ये तीन चीजें आपको याद है, आपको क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं, अर्थात लॉन्ग टर्म लोन की राशि का आपको बताया। तो लॉन्ग टर्म लोन्स में जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को तीन चीजें विशेष रूप से याद होनी चाहिए, एनी टाइप ऑफ लोन, दैट इज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मॉर्गेज लोन प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस डिवेंचर। तो ये तीन चीजें, इनमें से जो भी आपके पास क्वेश्चन के अनुसार दिए तो उन आइटमों को आप लेंगे, मतलब इन तीन आइटमों से ज्यादा आपके पास कोई आइटम नहीं दी होगी, इस बात का ध्यान रखें आप। आइटमों का मतलब ये है कि कहीं आप ये बोल रहे हैं कि बाद में उसमें सिक्योर्ड भी दिया था, अनसिक्योर्ड भी दिया था, मॉर्गेज भी दिया था, पब्लिक डिपॉजिट भी दिया था जी, और आपके पास बैंक लोन भी दिया था, ये सारी चीजें दी थी और आप बोलते हैं कि जी सिर्फ तीन आइटम है, तो इसका मतलब यहाँ क्लियर इंडिकेशन है। मैंने आपको बताया कि लोन का मतलब है कि किसी प्रकार का लोन हो प्लस डिवेंचर प्लस पब्लिक डिपॉजिट, ये तीन चीजें इसलिए आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद रहे
और इसमें ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म लोन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ करंट लायबिलिटी। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच क्लियर हियर। ये आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम इसके अंदर आएगी। उसके बाद अब बात करते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है जो मालिक का फंड होता है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि कुछ आइटमों को इंक्लूड किया जाता है। शेयर होल्डर फंड इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो वो आपका शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन कौन सी आइटम आती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डर फंड इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एनी टाइप ऑफ रिजर्व, दैट इज जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, एनी टाइप ऑफ अदर रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्लस एनी टाइप ऑफ फंड। माइनस क्या जाएगा इसमें से, यदि बिजनेस के अंदर कभी लॉस हो, दैट मींस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस एनी टाइप ऑफ अंडरराइटर कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको बीच में से माइनस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो आइटम आती है वो सारी की सारी आइटम शेयर होल्डर फंड के अंदर आती है। शेयर होल्डर फंड के अंदर ध्यान रखें इस बात का, एनी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल दैट मीन्स की इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एनी टाइप ऑफ रिजर्व दैट मीन्स की कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड रिजर्व, किसी भी आइटम के आगे बाद रिजर्व लिखा है, अदर रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड एक्विलाइजेशन रिजर्व या अन्य कोई अदर टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, वो सारी की सारी आइटमों को जो है इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। और साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर कोई लॉस हो, अगर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, दैट मींस कि जो असेट साइड शो किया होगा उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, अंडरराइटर कमीशन हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर हो, उसको भी माइनस कर दिया जाएगा। जो आइटम आपके पास आएगी वो आइटम आपकी शेयर होल्डर फंड की होगी। तो ध्यान रखें, क्योंकि बात सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन को करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नंबर दो बात, सोलवेंसी रेशियो के बाद इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, यदि आपको जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रोप्राइटरी रेशियो से या फिर डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये दो रेशियो बड़े इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो में। करंट रेशियो और क्विक रेशियो तो आपको पता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब आए कहां से, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता क्योंकि एग्जामिनर कोई सेपरेट बंदा होता है और आप लोग जो है पढ़ने वाले सेपरेट बंदे होते हैं, इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है, यदि आपको पता तो आप वही करें, परंतु ऐसा नहीं होता है आपकी फॉर योर करंट इन्फॉर्मेशन, इसलिए आपको बता दिया जाता है कि कई बार आपको सारे रेशियो छूट जाते हैं, यही रेशियो आ जाते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए भी और प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए भी, यहीं से कवर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा जो भी रेशियो करें आप बड़ा ध्यान से करें, और क्योंकि इनमें फार्मूले में और आइटमों को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं रेशियो के अंदर जो है फार्मूले आइटमें याद रखनी पड़ती है, बार बार वही आइटमें जो है हर आइटम के अंदर यूज होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड के बीच में रिलेशन स्थापित करता है, इसका फेयर रेशियो ध्यान रखें 2:1 है, आदर्श अनुपात जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि डेप्ट इक्विटी शेयर होल्डर से दुगुनी है तो बिजनेस की पोजीशन जो है सेटिस्फैक्टरी है। अगर ये जितना कम आता है, लोअर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट, इस बात का ध्यान रखिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो में लोअर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट, दैट मीन्स की 2:1 से जितना ये कम आता है उतना व्यवसाय की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है बाहर की पार्टी पर ज्यादा निर्भर नहीं है। इट इज वेरी मच क्लियर हेयर कि यू आर नॉट डिपेंड अपॉन द आउटसाइडर। इफ यू आर डिपेंडेंट आउटसाइडर, दैट मींस का आउटसाइडर तो कभी भी आपका पैसा वापस ले लेंगे, और इससे क्या होता है कि व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजिशन पर कभी भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जिनका पैसा लगा होता है उनकी मर्जी है, उन्होंने बिजनेस में रखना है नहीं रखना है, वापस करना क्विट करना क्विट कर लेंगे, बैंक वाले लोन ले लेंगे या जितने समय के बाद उसने अवधि के बाद तो ले ही लेंगे, फिर आपको नहीं देंगे। तो इसका मतलब है यदि आप आउटसाइडर पर कम निर्भर रहे, लोअर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट, इट इज वेरी मच क्लियर हियर कि लोअर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट, कि जितना रेशियो कम आता है उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। ये व्यवसाय की जो आपकी दीर्घकालिक स्थिति है उसको जो है दर्शाता है, और ये बताता है कि आपकी व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिति अच्छी है यदि यह लोअर आता है। हायर इज द रेशियो यू आर ऑलवेज इन द डेंजर पोजिशन, इस बात का ध्यान रखें कि यदि ये रेशियो अधिक आता है तो बिजनेस इज इन अ डेंजर पोजिशन। यू आर का मतलब है बिजनेस इज ए फर्म इज इन ए डेंजर पोजिशन,
अगर आप बाहर की पार्टी पर निर्भर है, क्योंकि बाहर की पार्टी तो कभी भी आपसे पैसा ले सकता है, जिसने आपको पैसा दिया है वो कभी भी आपसे पैसा ले सकता है। कंडीशन ये होती है, कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशनों को पूरा होने के बाद तो आप ले ही सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि इसका जो आदर्श अनुपात है वो 2:1 है। ये जितना कम आता है, लोअर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट, अगर ये हायर आता है तो ये व्यवसाय के लिए डेंजर पोजिशन को प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ एक प्रिक्वेशन भी थी, आप लोगों ने देखना है कि हम ज्यादा तो है वो बाहर की पार्टीज पर निर्भर ना रहे। अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए हम इंटरनल पार्टी जो है वो मतलब इंटरनल फंड हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगला रेशियो जो है, अगला रेशियो जो आपका है वो टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो मींस द रेशियो विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। टोटल असेट मींस इट इज वेरी मच क्लियर हियर, आप लोगों को आईट में बताऊं नहीं चाहिए। टोटल असेट मींस फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट। ध्यान रखें इस बात का, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट मतलब इन्वेस्टमेंट भी इनमें शामिल कर देते हैं, परंतु जो आपके फिक्स्टिशियस सेट है दैट मींस की अंडरराइटर कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये आइटमों को शामिल नहीं किया जाएगा। जनरली ये कहा जाता है टोटल असेट मींस फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट। फिक्स्ड असेट में सारे फिक्स्ड असेट आते हैं और साथ साथ में आप सभी जानते हैं इन्वेस्टमेंट और करंट असेट को शामिल कर दिया जाता है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आपको बताया कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इंक्लूड थ्री आइटम्स, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन, एन टाइप ऑफ लोन प्लस डिवेंचर प्लस पब्लिक डिपॉजिट। ये तीन चीजें आती हैं, यदि आपको आती हैं तो आपको पता है कि आपका क्वेश्चन सही है। तो ये जो है ये कहा जाता है कि इसका आदर्श अनुपात जो है वो 2:1 है। इसका आदर्श अनुपात जो है वो 2:1 माना जाता है और ये कहा जाता है ये जितना अधिक आता है उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। इसका मतलब क्लियर सी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हायर आने का मतलब क्या हुआ कि आप टोटल असेट को खरीदने के लिए बाहर की पार्टी पर निर्भर नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट्स पर निर्भर नहीं है। एंड लोअर इज द रेशियो द बिजनेस इज ऑल्सो गोइंग इन ए डेंजर जोन। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो है ये रेशियो जितना कम आता है उतना व्यवसाय के लिए जो है ये घातक माना जाता है। तो इस प्रकार से ये क्लियर इंडिकेशन है कि द रेशियो विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। टोटल असेट इंक्लूड फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट प्लस इन्वेस्टमेंट। आपकी बुक में फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट दिए हैं, ध्यान रखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बुक्स में नहीं मिलती हैं, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुन लें जो बात आपको बताई जा रही है कि केवल मात्र फिक्स्टिशियस असेट की आइटमों को नहीं शामिल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडररेटर कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर, एनी टाइप ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आइटम्स आर नॉट इंक्लूड, अदरवाइज ऑल आइटम्स आर इंक्लूड ऑन द असेट साइड, दैट इज फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट प्लस इन्वेस्टमेंट, वो सारी आइटमों को शामिल किया जाएगा। तो ये जो है ये बोलते हैं कि जितना अधिक आता है उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये अधिक आने का मतलब ये है कि आपको आउटसाइडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज आपके पास ऐसे हैं कि जिनसे आप टोटल असेट जो है जिससे आप जो है इसको खरीदते हैं। तो ये था जी आपका टोटल असेट टू डेट रेशियो। उसके बाद अगला रेशियो है जी आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो अगला जो आपका रेशियो है दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो, दैट रेशियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रेशियो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर रेशियो, या दूसरे शब्द बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड रेशियो। द रेशियो विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट। शेयर होल्डर फंड की सारी आइटम आपको बताई थी, अभी टोटल असेट की आइटम भी आपको बताई कि टोटल असेट के अंदर फिक्स्ड असेट को शामिल नहीं किया जाएगा। शेयर होल्डर फंड के लिए भी थोड़ी सी बात यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा रिजर्व है जो स्पेसिफिक नेचर का है, जिसका नेचर ही स्पेसिफिक है, उस स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, अदरवाइज सारे रिजर्व भी शामिल किए जाएंगे। ये जनरली बहुत कम होता है, बहुत कम, इस बात का ध्यान रखें। ये बहुत मतलब डीप पॉइंट है, डीप जाने वाली बात है। यदि भी आपके लिए प्लस टू के विद्यार्थियों के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड ये बात नहीं आती है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ी बातें आपको पता भी होनी चाहिए कि जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं वो उन रिजर्वों को शामिल नहीं करते, अदरवाइज रिजर्व विल बी इंक्लूड इन द हेडिंग ऑफ शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आप सभी जानते हैं द रेशियो विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टी रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट। शेयर होल्डर फंड इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस एनी टाइप ऑफ अदर रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व एंड सरप्लस मींस कि एनी टाइप ऑफ रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इट इज क्लियर हियर। एनी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल मींस कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, माइनस करते हैं इसमें से, आप सभी जानते हैं अगर कोई लॉस हो या अंडरराइटर कमीशन हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, उन सारी आइटमों को माइनस कर दिया जाता है जो आपके पास आता है,
वो आपका परफेक्ट रेशियो आता है, और इसका फेयर रेशियो है वो 1:1। दैट मींस कि यदि ये 1:1 आता है तो व्यवसाय की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है, दैट मींस संतोषजनक है। और यदि ये इससे अधिक आता है, हायर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट, इट इज वेरी मच क्लियर। शेयर होल्डर का फंड का जितना, मालिक का खुद का पैसा जितना मर्जी लगाओ, बिजनेस में रिस्क कम होता है। आप लोगों को कहीं भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। टोटल असेट में अगर बराबर है, मींस कि जितने शेयर होल्डर फंड है उतने टोटल असेट है, तब भी रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना फंड है कि हमें किसी बाहर की पार्टी पर निर्भर नहीं रहना पड़ना है। बाहर की पार्टी अपना पैसा ले भी जाए, हमारे टोटल असेट सेफ रहेंगे। परंतु ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है। यदि इससे अधिक आता है, हायर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट, जितना अधिक आता है उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे पास शेयर होल्डर फंड जो है वो सफिशियंट अमाउंट में। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि ये रेशियो जो है रिलेशन स्थापित करता है शेयर होल्डर फंड और टोटल असेट के बीच में। सॉल्वेंसी रेशियो के आपने 3 टाइप्स के रेशियो किए, तो जनरली यही 3 रेशियो जो है इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट है। और इस 3 रेशियो के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा कि सॉल्वेंसी रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, दैट इज लॉन्ग टर्म टेल्स यू अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एंड दी रेशियो आर इंक्लूडेड इन 3 टाइप्स, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो एंड प्रॉपर्टी रेशियो। तो इस प्रकार से ये था जी आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट।